आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और यहाँ आए दिन कुछ ना कुछ क्रिएटिव होता ही रहता है। अब ऐसी ही एक क्रिएटिविटी सामने आई है। दरअसल सोशल मीडिया पर नीतीश और लालू का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ओ बेटा जी गाना गाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिहार चुनाव के दौरान सुर्खियों में रहने वाली पुष्पम प्रिया चौधरी ने सोमवार को इस वीडियो को ट्वीट किया और कहा कि उन्हें यह अच्छा नहीं लगा। प्लूरल्स पार्टी की पुष्पम प्रिया चौधरी ने ट्वीट में लिखा, बिहार की किस्मत, किसी ने मनोरंजन के लिए बेहतरीन आर्टवर्क भेजा लेकिन मुझे बहुत मजा नहीं आया, क्योंकि इसमें जिन दो नकली नेताओं का चित्रण किया गया है उनको जब भी मैं देखती हूँ मुझे बिहार के लिए बहुत दुख और अफसोस होता है। पुष्पम प्रिया ने अपने अगले ट्वीट में लिखा कि 30 साल में जब पूरा देश आर्थिक सुधारों के दौर में आगे बढ़ रहा था, बिहार लालू नीतीश और दिल्ली के उनके दो पार्टनरों की ठग राजनीति में फंसा रह गया। 15-15 साल की तानाशाही वाले बहुमत की सरकार से बेहतरी की अपेक्षाएं होती हैं, उनसे जो न्याय और सुशासन के जुमलों पर सत्ता हथियाते हैं। वायरल वीडियो पर टिप्पणी करते हुए पुष्पम प्रिया ने लिखा कि इनकी किस्मत की हवा के नरम गरम होने के बीच ये तो तय है कि बिहार की किस्मत इन दोनों की राजनीति की विदाई से ही बदलेगी, लेकिन फिर बिहार की किस्मत को बाबूजी बेटा जी की राजनीति की हवा ना लग जाए। आपको बता दें कि पुष्पम प्रिया चौधरी ने बिहार चुनाव से कुछ वक्त पहले अखबारों के फ्रंट पेज पर विज्ञापन देकर खुद को सीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया था। उन्होंने पार्टी बनाई और कई सीटों पर चुनाव लड़ा, खुद भी दो सीटों से मैदान में उतरी। हालांकि दोनों ही सीटों पर बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद भी पुष्पम प्रिया लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। अगर वायरल वीडियो की बात करें तो बीते दिनों नेटफ्लिक्स पर आई फिल्म लूडो में ओ बेटा जी गाने को दिखाया गया। यूं तो यह गाना काफी पुराना है, लेकिन नेटफ्लिक्स की फिल्म में आने के बाद सोशल मीडिया पर फिर युवाओं के बीच ट्रेंड बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट SPN9 न्यूज़।